हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित का कार्य पत्रक करेंगे। 88 विद्यार्थी का नाम के साथ आपका नाम आएगा और दिनांक आएगी जिस दिन आप वर्कशीट को सॉल्व करोगे। आप बच्चों, आज हम सीखेंगे आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। तो बच्चों, हमें नीचे एक सारणी दे रखी है, उसको पढ़ना है और फिर आंकड़ों की व्याख्या करनी है। बच्चों, हमारा प्रश्न पहला है, एक विद्यालय के कक्षा 5 के 30 विद्यार्थियों से उनके परिवार की सदस्य संख्या पूछने पर सूचनाएं नीचे दिए अनुसार प्राप्त हुई है। तो बच्चों, कक्षा 5 के 30 बच्चे थे, उनसे पूछा गया कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, ठीक है, और उन सदस्यों को हमें नीचे सारणी में सही करके लिखना है। तो बच्चों, ये बच्चों के परिवारों की संख्या है। जैसे पहले बच्चे से पूछा गया कि आपके परिवार में कितने सदस्य है, तो उसने बताया कि 3 है। दूसरे से पूछा गया तो उसने बताया उसके घर में 5 सदस्य हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमें इनको सारणी में सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इनको क्रम वाइज लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे कहाँ से शुरू हो रहा है अंक बच्चों? 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 को गिनना है, ठीक है। 2 कितनी बार आए, यहाँ पर देखिए परिवार में सदस्य संख्या, फिर अटैली चिन्ह है और परिवारों की संख्या। तो बच्चों, हम सबसे पहले नंबर 2 लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि 2 कितनी बार आए। अब हम बच्चों इस वर्कशीट में टैली चिन्ह भी सीखेंगे, ठीक है। अब बच्चों, इसमें हमें गिनना है कि 2 कितनी बार आया है। बच्चों, एक तो ये रहा 2 और दूसरा है बच्चों ये 2 और ये बच्चों 2 बार आया। 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो आपको इस तरह से टैली चिन्ह लिखने, 1 1 2, तो कितनी बार आया? 2। और इसको बच्चों आपको इस तरह से गिनती में भी लिखना है, ठीक है, 2। अब बच्चों 3 था, 3 भी हम गिन लेते हैं, यहाँ दे तो रखा है पर गिन लेते हैं बच्चों, 1 2 3 और फिर है बच्चों 4, फिर 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है तीसरा 7 8 9 10 11 12, ठीक है बच्चों। तो 3 कितनी बार आ रहा है? 12 बार। तो टैली चिन्ह आप कैसे लिखोगे? पहले तो आप 4 सीधे डंडे लगाओगे, फिर 5वां डंडा आपको इस तरह से क्रॉस करके लगाना है, ठीक है। और इसी तरह ये 5 हो गए बच्चों, 5 को फिर आपको इसी तरह लिखना है, 1 2 3 4 और फिर 5वां आपको यूं लगाना है, 5 और 5 10 हो गए बच्चों, 10 और 1 11 12, 12 को आपको बच्चों यहाँ पर ऐसे लिखना, ठीक है। अब हम 4 को गिनेंगे, 4 कितनी बार आया है? तो बच्चों 4 को गिनते हैं अब हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 4 कितनी बार आया? 8 बार आया। तो बच्चों आप टैली चिन्ह इस तरह से लिखोगे, 1 2 3 4, और जो 5वां है बच्चों आपको डंडा ऐसे लगाना है, ये 5 हो गए, ठीक है। हमें 8 लिखना है, 5 और 3, 1 2 3। जैसे ही बच्चों 5 हो जाएगा तो आपको बीच में 5वें लाइन की जगह आपको यूं टेढ़ा करके लाइन लगानी, ठीक है। ये हो गया 5 और 3 8, तो आपको 8 यहाँ पर ऐसे लिखना है, ठीक है। अब बच्चों 5 कितनी बार आया है? 5 भी गिन लेते हैं बच्चों, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार 5 बार 6 बार। 5 कितनी बार आया? 6 बार आया। तो आपको 6 इस तरह से लिखना है, 1 2 3 4 और 5, आपको यूं लगाने, 5 हो गए और 1 ये 6, ठीक है बच्चों, आपको 6 यहाँ ऐसे लिखना है। अब बच्चों हम 6 को गिनेंगे, कितनी बार आया 6, ठीक है बच्चों। 6 आया बच्चों 1 बार और ये 2 बार, ठीक है बच्चों। आगे भी गिन लेते हैं, देख लेते 6 है क्या, 6 बच्चों 2 बार है, ठीक है। तो 2 आपको ऐसे लिखना है, 1 2, 6 को आपको 2 बार ऐसे। अब बच्चों 7 है, 7 अंक बच्चों ऊपर लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 7 एक बार भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे, टैली चिन्ह की जगह 0 लगाओगे और यहाँ भी आप 0 लगाओगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पर टैली चिन्ह बनाना था और परिवारों की संख्या बतानी थी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये आपका पहला सवाल हल हो गया। आपने क्या सीखा इसमें, एक तो टैली चिन्ह लगाना सीखा और इनको गिनकर भी आपको इस तरह से लिखना। अब परिवारों की सदस्य, दो जिस परिवार में 2 सदस्य है वो कितने परिवार है? 2 परिवार है।
अब जिस परिवार में 3 सदस्य हैं बच्चों, वो कुल 12 परिवार है, और किसमें 4 सदस्य हैं वो 8 परिवार है, और जिसमें 5 सदस्य हैं बच्चों वो 6 परिवार है, और जिसमें 6 सदस्य है वो 2 परिवार है बच्चों, 7 सदस्य वाला एक परिवार भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको ये तेली चीने बनाना था। अब बच्चों दूसरा सवाल है हमारा, ठीक है, सवाल क्या है, एक गांव में रहने वाले परिवारों के पास पशुओं की संख्या नीचे सारणी में प्रदर्शित की गई है, सारणी को पूरा कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बच्चों हमें नीचे यहाँ पर देखिए, हमें टैली चिन्ह नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि टैली चिन्ह हमें यहाँ पर दे रखे हैं। आपको सिर्फ गिनना है पशुओं की संख्या, कितने परिवारों के पास पशुओं की संख्या 3 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर टैली चिन्ह दे रखे हैं, 1 2 3 4, और ये बच्चों 5वां टैली चिन्ह, और ये 6, तो यहाँ पर आपको गिन के लिखना है 6। ठीक है, अब 5 पशुओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 6 7 8 9, और एक ये 10 हो गया बच्चों, 10 11 12 13 14, और एक ये 15 हो गया, और एक ये बच्चों 16 हो गया। ठीक है, ये कुल कितने परिवारों की संख्या है, 16। अब बच्चों ये है 6, तो इसमें बच्चों आप टैली चिन्ह गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4, और ये बच्चों ये 5वां डंडा भी आपको गिनना, ठीक है, 5 और 1 ये 6। ठीक है, अब आपको इसको भी गिनना है, 1 2 3 4 और 1 5 और 6 7, और ये बच्चों 4 है, 1 2 3 4। जैसे ही बच्चों अगर 5 हो जाता है ना, तो एक आपको यूं क्रॉस करके लाइन लगानी। अब बच्चों हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है, अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, 5 या 5 से कम पशु वाले परिवारों की संख्या बताइए। 5 कहाँ है बच्चों, और 5 से कम पशु वाले परिवारों की संख्या कितनी है बच्चों, 5 से कम 3 आता है। ठीक है, अब आपको परिवारों की संख्या बतानी है, तो आएगा बच्चों 6। ठीक है, इसका उत्तर आएगा 6। अब 10 पशुओं वाले परिवारों की संख्या, ये रहा बच्चों 10। अब 10 पशुओं वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 4। तो बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको बच्चों आज की जो वर्कशीट थी वो आपको कंप्लीट करनी थी। आप भी फटाफट अपना वर्क कंप्लीट करके अपने टीचर जी को दिखाइएगा। थैंक यू।